अगली खबर में बात करते हैं छिंदवाड़ा की, जहां मकान निर्माण कर रहे ठेकेदार ने विवाद के बाद मकान मालिक को ही पीट दिया। खजरी रोड पर स्थित डॉक्टर मनीष गठोरिया के क्लिनिक के सामने हुए विवाद में मकान मालिक का सिर फूट गया है। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी में कोतवाली पुलिस ने बताया कि मानधाता कॉलोनी निवासी अनिल पवार ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनका मकान निर्माण का काम खजरी में चल रहा है, जिसका ठेका उन्होंने ठेकेदार दीपक पाल को दिया था। अनिल के अनुसार वो डॉक्टर गठोरिया के क्लिनिक के समीप गए थे, तभी ठेकेदार दीपक पाल आया और विवाद के बाद उनके सिर पर रॉड मारकर उन्हें लहूलुहान कर दिया। इस घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ तौर से दिख रहा है कि एक शख्स अपने हाथ में रॉड लेकर किस तरह से युवक के साथ बात कर रहा है। घटना के बाद अनिल ने शिकायत थाने में लिखित रूप से दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने ठेकेदार दीपक के खिलाफ मामला दर्ज कर प्रकरण को जांच में लिया है। खजरी रोड पर हो रहा है इस विवाद को लेकर मौके पर मौजूद किसी भी व्यक्ति ने मारपीट कर रहे शख्स को रोकने का प्रयास नहीं किया। ऐसे में उसने हाथ में रखी रॉड से उसके सर पर वार कर दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गया। बाद में सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे और युवक को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू की, तब सारे मामले का खुलासा हुआ।